अब जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर के बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। इस वक्त विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पेपर लीक पूरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी का राजस्थान सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सचिवालय के बाहर की तस्वीर देखिए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। ये प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए सरकार को, राजस्थान सरकार पे किस तरीके से आक्रामक होते नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देखिए, संख्या बल देखिए इनकी कितनी ज्यादा है। गहलोत सरकार के खिलाफ यह हल्ला बोल बीजेपी का, राजस्थान में सचिवालय के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीर। पेपर लीक को लेकर भ्रष्टाचार का विरोध लगातार बीजेपी कर रही है, पुलिस के साथ ये झड़प भी हुई। देखिए किस तरीके से पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और यहां पर नारेबाजी भी हो रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त राजस्थान की। जयपुर में सचिवालय के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, राजस्थान सचिवालय के बाहर ये प्रोटेस्ट, पेपर लीक भ्रष्टाचार का विरोध लगातार कर रहे हैं। तो ये तो प्रोटेस्ट की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया, सरकार को कैसे घेर रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ आने के बाद लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाएंगे, हर सरकार के गंदे नाले का पानी लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है। आपको क्यों डर लग रहा है? जब आप ईमानदार हो अली बाबा तो आपको सामने, लेकिन अब ये दमन ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। ज्वालामुखी फटेगा और राजस्थान से भ्रष्टाचार की सरकार उठाएगी। सरकार की हठधर्मिता है, हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरकार माई बाप है, ये माई बाप लोग आए हैं, हजारों की संख्या में आए हैं और सरकार को ललकारने आए हैं। हमारा ज्ञापन नहीं लेना चाहती सरकार, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। झूठ और फरेब की सरकार है। इस सरकार में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चरम पे है, आज हालत यह है, इस सरकार की तिजोरी में से सचिवालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे 2,31,00,000 रुपए और सोने का मिलना, 2,31,00,000 रुपए का मिलना, ये अपने आप में प्रगाढ़ है कि सचिवालय अब इस सरकार के भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और हम पूरी तरह से, चाहे किसानों का हालत यह है कि उन्होंने कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे किसानों की, 19,000 से अधिक किसानों के आज इन्होंने कुड़की के नोटिस करके, जमीन कुड़क करने का कह करके किसानों के साथ धोखा किया।